नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर में आज एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के कोरोना संक्रमित निकलने पर कॉलेज और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं छात्रा के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर छात्रा के 6 परिजनों समेत छात्रा को आइसोलेट किया गया है। फिलहाल मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रामनगर में इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद कॉलेज और इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि रामनगर में स्थित GGIC की एक छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं ये छात्रा अपने कॉलेज से NCC के कैंप में रानीबाग गई थी, जिसके बाद रानीबाग में मौजूद करीब 300 छात्राओं और स्टाफ का सैंपल हल्द्वानी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया। जबकि रामनगर में छात्रा के संपर्क में आने वाली 60 छात्राओं और कॉलेज स्टाफ का सैंपल रामनगर की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया। इस दौरान डॉक्टर कौशिक ने बताया कि इन सभी को रिपोर्ट सोमवार तक प्राप्त होगी। इसके साथ ही छात्रा के 6 परिजनों को आइसोलेट करने की कार्यवाही करने के साथ ही छात्रा को भी कैंप से बुलाकर आइसोलेट किया गया। फिलहाल डॉक्टर प्रशांत कौशिक का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। GGIC रामनगर पे एक छात्रा जिसका रिपोर्ट बृहस्पतिवार को आई थी, वो पॉजिटिव आई थी। उसको रानीबाग में जो NCC कैंप लगा है बच्चों का, उसमें जाना था, जिसके लिए उसने अपना RT-PCR टेस्ट कराया था। उसके RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद हमने उसको होम आइसोलेशन दे दिया है और उसके परिवार में 6 अन्य लोग थे। रामनगर क्षेत्र में एक छात्रा के कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की पुष्टि करते हुए कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि GGIC की एक छात्रा है जिसका सैंपल लिया गया था, और सैंपल लेने के बाद जब उसकी जाँच रिपोर्ट आई है तो वो कोरोना संक्रमित पाई गई है। आपको बता दें कि GGIC रामनगर की छात्राओं का एक NCC का कैंप रानीबाग गया हुआ है, जिसके बाद रामनगर के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने GGIC कॉलेज में छात्रा के संपर्क में आए उसके जो है सहयोगी छात्राओं सहित टीचर स्टाफ के करीब 60 से अधिक लोगों के सैंपल लिए हैं। तो वहीं रानीबाग में जो NCC के कैंप में प्रतिभाग कर रही थी, करीब 300 छात्राओं की सैंपलिंग हल्द्वानी के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की है। और डॉक्टर प्रशांत कौशिक का कहना है कि यह सभी रिपोर्टें सोमवार तक शाम को आने की संभावना है। फिलहाल उन्होंने बताया कि संक्रमित आई छात्रा व उसके परिवार के 6 लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और अभी जो है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिस प्रकार की भी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त होती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।